राउज एवेन्यू कोर्ट से राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी गई है। उनकी पत्नी अनिता सिंह सुबह 10:30 बजे के आसपास वकीलों के साथ कोर्ट पहुंची थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में ये पूरा बॉन्ड भरा गया था। बेल बॉन्ड भरने के वक्त 2 लाख के निजी मुचलके पर इस बेल बॉन्ड को भरा गया था और एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन वो जमानत निजी जो निचली कोर्ट होती है जहां पर ये पूरी कार्रवाई जो पूरा मामला चल रहा था वो राउज एवेन्यू कोर्ट में था और दिल्ली शराब नीति मामले में इस मामले को लेकर ये जमानत दी गई थी, सशर्त जमानत दी गई। उन्हें जो बेल बॉन्ड भरा गया था उसके साथ ही जो कोर्ट ने शर्तें रखी हैं वो शर्तें रखी हैं, उनका जो पासपोर्ट है वो उन्होंने सरेंडर किया, इसके अलावा वो एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते। अगर एनसीआर से वो बाहर जाते हैं तो उन्हें अपने जांच अधिकारी को इस पूरे मामले पर जानकारी देनी होगी कि वो कहां जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उनके साथ कौन कौन लोग होंगे। क्योंकि हालांकि संजय सिंह के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि वो एक राज्यसभा सांसद हैं, एक ऐसे पद पर हैं जहां से वो नहीं भाग सकते और ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ शर्तों में कई सारी शर्तें थी जिसमें ये कहा गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो जमानत की शर्त है उसमें कि जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे कि वो कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जमानत पर जब वो बाहर जाते हैं जमानत पर बाहर रहते हैं और जांच में सहयोग भी करेंगे, जब भी उनसे कोई पूछताछ होगी तो उस जांच को जांच में वो सहयोग करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था जैसा एक दिन पहले कि शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और उसको भी यहाँ पर बताया गया था और इसी वजह से ये सशर्त जमानत यहाँ पर दी गई है। साथ ही संजय सिंह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम आयो यानी जांच अधिकारी जो टीम के हैं उनके साथ साझा करेंगे कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ये सब उन्हें अपने जांच अधिकारी को बताना होगा और वहाँ पर अगर कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल करता है उसके बारे में बताना होगा। इसके अलावा वो अपनी जो लोकेशन है वो हमेशा लोकेशन शेयरिंग को ऑन रखेंगे, यानी अगर कहीं भी जाते हैं तो अपनी लोकेशन ऑन रखेंगे मोबाइल फ़ोन की ताकि उनकी लोकेशन जाँच अधिकारी को पता चलती रहे और किसी तरह का कोई भ्रम ना हो। इसके अलावा आयोग के साथ ये सारी जानकारियाँ वो साझा करेंगे। सबसे अहम चीज़ यही थी कि जो 2 लाख का निजी मुचलके पर उन्हें उनका बेल बॉन्ड भरा गया था उससे पहले भी कई सारी चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा, उनके वकील ने कहा था कि वो एक सांसद है, मैं एक सांसद हूँ और मेरे मामले में भागने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि संजय सिंह एक वरिष्ठ नेता है और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वरिष्ठ नेताओं की जो लॉबी है, जो पूरी लाइन है, वो इस वक्त बंद है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये वही वरिष्ठ नेता है जो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी कहे जाते हैं, लेकिन अब संजय सिंह बाहर आए हैं तो उन्हें कई जगह चुनावी सभाएं भी करनी होंगी, कई जगह जाना होगा। लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही जब उन्हें जमानत मिली थी तो ये सामने आया था कि उन्हीं मंगलवार के दिन ही उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी जिसके बाद तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद अब उन्हें वापस तिहाड़ जेल की तरफ ले आया जाएगा जहाँ से उन्हें कोर्ट के ऑर्डर के बाद तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। जमानत पर रिहा होने के बाद वो अपने पारिवारिक लोगों से मिल सकते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तौर पर वो दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए किसी मामले पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई बाइट नहीं देंगे, किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। साथ ही जब भी कुछ ऐसा होगा तो उनसे पूछताछ की जा सकती है, उस वक्त वो जमानत के लिए ज़रूर यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि सबसे जो संजय सिंह की जमानत बॉन्ड भरने के लिए उनकी पत्नी खुद जमानतदार थी और उसके अलावा ये भी कहा गया था कि वो कोर्ट में ये बताना चाहते हैं कि ईडी ने कहा था कि शर्त यह है कि वो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं। उनकी क्या भूमिका रही थी इस पूरे दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में, इसकी चर्चा वो प्रेस से नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। उसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करने की बात की गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संजय सिंह सशर्त अब जमानत पर बाहर है और अब आज वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे और जिस तरह से उनका पूरा अपना एक पीरियड रहा था, जिस तरह से वो जेल में थे तिहाड़ जेल के अंदर और लगातार ईडी जो है इस पूरे मामले में जाँच कर रही थी, इसके अलावा जो कोशिशें थी क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ करने के बाद वो उस वक्त से ही जेल में थे, लेकिन अब संजय सिंह बाहर आएंगे, बाहर आकर क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, उसके अलावा जेल के भीतर ही मनीष सिसोदिया भी हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे में संजय सिंह के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन देखना होगा कि एक तरफ उनका स्वास्थ्य और दूसरी तरफ अपनी जो भूमिका है उसको लेकर वो किस तरह से इसमें सामंजस्य बिठाते हैं।